नो फिश और एनिमल वर हार्म इन दिस वीडियो। इस वीडियो में किसी भी मछली या फिर जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तो दोस्तों, मेरे पास अभी बहुत सारा ब्लू मॉस्को का फ्राई है, जिसको मैं नया एक टैंक सेटअप करके छोड़ने वाला हूं। और जो सब इलेक्ट्रिक ब्लू मॉस्को डम्बो यार में मेरे पास रेडी है, उसमें से कुछ मैं सेलिंग करने वाला हूँ। तो कितना प्राइस पर सेल करूँगा वो वीडियो में आपको आगे बताऊँगा। और जो सब भाई लोगों ने मेरे को बोला था कि दादा बेटा फिश का फ्राई सेल करो, तो वो सभी भाई के लिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया एक सरप्राइज़ है, जो कि वीडियो में आपको एकदम एंड पे बताऊँगा दोस्तों कितना प्राइस पे मैं बेटा फिश का फ्राई सेल कर रहा हूँ। और जो सब भाई लोगों को एक चीज़ में बहुत दिक्कत होता है कि गप्पे फिश फ्राई दे देता है और वो खुद ही खा लेता है, तो उन लोगों के लिए दोस्तों बीडिंग केज बनाना सिखा दूंगा। एंड ये देखो मेरे को उससे कितना फ्राई मिला है। और जो भाई लोगों को पानी रेडी करने में दिक्कत होता है, उसके लिए पानी रेडी करने का टेक्निक भी बता दूंगा। एंड आज दोस्तों मेरा ब्रूडर गप्पे भी दिखा दूंगा। चलो, तो आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। मेरा बनाया गया वीडियो में से बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है आज का वीडियो। तो ये देखो दोस्तों, मैंने ब्रीडिंग केज में ऑलरेडी फीमेल को छोड़ के रखा है, और बाहर ये देखो आप लोगों को बच्चा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाला फीमेल अभी बच्चा दे रहा है। और एल्बिनो फुल रेड का दोस्तों पेयर देखो, ये ब्रीडिंग पेयर है जो ब्रूडर है मेरे पास। दो टैंक पर दोस्तों मैंने ब्रूडर रखा है, तो दोनों टैंक का ब्रूडर ही दोस्तों बहुत बढ़िया साइज़ में है। तो वो सब भी आज के इस वीडियो में दिखा दूंगा, बहुत सारे चीज़ दिखाऊंगा दोस्तों आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को जो ब्लू लेस गप्पी है वो भी दिखाऊंगा, जो कि मैंने नया लिया है। तो साथ ही साथ दोस्तों लास्ट वीडियो में जो भाई ने कमेंट किया था, जो भाइयों ने सवाल पूछा था, वो सभी सवाल का आज जवाब दूंगा। सही में दोस्तों आज Q&A सेक्शन वीडियो के एकदम एंड पे रहने वाला है। तो आपका भी कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दो, नेक्स्ट वीडियो में 100% आपका जवाब मिल जाएगा। मैंने फिर से Q&A सेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, और अच्छा लगे तो ज़रूर से एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो फ़ायदा आप ही को होने वाला है। डायरेक्टली बोलो या फिर इनडायरेक्टली बोलो, मेरा क्या फ़ायदा है, यूट्यूब से ज़्यादा पैसा मेरे को मिलेगा नहीं, मगर सब्सक्राइब करके रखोगे जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा वो आपके फिश हॉबी को फिश फार्मिंग पे बदल देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपना इलेक्ट्रिक ब्लू मॉस्को गप्पीज का जो सेटअप है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं उनका फ्राई को छोड़ने वाला हूँ, ऑलरेडी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि दोस्तों मेरा ब्रूडर जो है वो ब्रूडर इलेक्ट्रिक ब्लू गप्पी मतलब दो सेटअप में है। पहला सेटअप में से जो भी फ्राई मेरे को मिला था ऑलरेडी मैंने छोड़ दिया है सुबह के टाइम पर। सेकेंड सेटअप में दोस्तों मेरे को जो भी फ्राई मिला है अभी छोड़ने वाला हूँ, तो इसमें एक चींटी भी आ चुका है, तो इसको सबसे पहले मैं फेंक देता हूँ। ये मेरे को भी काट सकता है या फिर मछली को भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ऑलरेडी यहाँ का टेम्परेचर मैंने सेम कर लिया है, फिर भी थोड़ा देर तक दोस्तों मैं एक्लेमेट कर लूँगा, मतलब दोनों पानी का टेम्परेचर सेम रखना पड़ेगा, उसी के बाद मैं मछली को छोड़ूंगा। और पानी जो है बाहर का जो पानी है टैंक का, वो पानी दोस्तों 8 दिन पुराना हो चुका है, इसीलिए मैं उसमें छोड़ रहा हूँ। आप भी दोस्तों हमेशा कोशिश करना 8-10 दिन पुराना पानी पर मछली को छोड़ने का। और उस पानी पर दोस्तों प्लांट भी देना कब पड़ेगा, प्लांट किस तरीके से दूंगा वो वीडियो में आगे दिखाऊँगा। जो लोग सेलिंग के लिए बोल रहे थे उन लोगों के लिए सबसे पहले अपडेट मैं दे देता हूँ। तो देखो दोस्तों ये जो गप्पी है इलेक्ट्रिक ब्लू मॉस्को गप्पी है, नॉर्मली आप लोग मार्केट पे जो देखते हो वो ब्लू मॉस्को होता है, नॉर्मल ब्लू मॉस्को। ये जो है इलेक्ट्रिक ब्लू मॉस्को है बिग ईयर में। तो मैं आपको समझा भी देता हूँ दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ। बिग ईयर मतलब साइड का जो दो फिन है दोस्तों, जिसको दोस्तों पेक्टोरल फिन बोला जाता है, वो विजिबल है, मतलब आप लोग उसको देख पाओगे। ये दोस्तों प्रॉपर डम्बो ईयर नहीं है, जो लोग डम्बो ईयर बोल के बेचता है एक्चुअली दोस्तों झूठ बोलता है, ये डम्बो ईयर नहीं है, ये बिग ईयर है। तो ये गप्पी जिसको भी चाहिए दोस्तों मेरे से आप लोग ले पाओगे। और हाँ, पहले मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, गप्पी पैकिंग करके किस तरीके से कुड़ियार में भेजना है अभी मेरे को प्रॉपर नॉलेज नहीं है। मेरे पास जो नॉलेज है उसमें मछली जो है वो 5 से 7 दिन जिंदा रहेगा कुड़ियार में, मगर मैं चाहता हूँ मिनिमम वो मछली 8-10 दिन या फिर 15 दिन तक जिंदा रहे। पहले मैं गप्पी का पैकिंग सीख लूँगा, उसके बाद आप लोगों को भेजूँगा। और ये सब दोस्तों फीमेल है, फीमेल में भी दोस्तों प्रॉपर डम्बो ईयर दिख जाएगा। प्राइस की बात की जाए दोस्तों, जो लोग घर पे आके लोगे उनका प्राइस अलग होगा, जो लोगों को भेजना पड़ेगा कुड़ियार में उनका प्राइस अलग होगा, क्योंकि कुड़ियार में अगर मैं मछली भेजूंगा तो उसमें मछली मर जाएगा या फिर मर भी सकता है, तो उसमें मेरे को रिफंड करना पड़ेगा इसीलिए। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को प्लांटिंग करके दिखा देता हूँ कौन कौन सा प्लांट्स यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैंने दोस्तों हॉटनॉट डाल दिया है, देखो ये जो प्लांट दे रहा हूँ इसको हॉटनॉट बोला जाता है। इसमें दोस्तों क्या फ़ायदा होगा, मछली का फ्राई अभी ठीक से तैर नहीं पा रहा है, स्विमिंग नहीं आता है इन लोगों को,
तो ये हॉटनॉट के ऊपर जाकर रेस्ट कर पाएगा। और ये दोस्तों प्लांट जो दे रहा हूँ इसका नाम है हाइड्रोफिला पॉलिस्पर्मा। तो ये प्लांट देने का दोस्तों एक रीज़न है कि पानी की ये क्लियर रखेगा और पानी में जो एमोनिया नाइट्रेट नाइट्राइट लेवल है उसको कम रखेगा। तो दोनों प्लांट ही मेरे पास फ्री में मिल जाएगा दोस्तों, किसी को चाहिए मछली के साथ में भेज सकता हूँ। अगर आप लोग मछली नहीं भी ले रहे हो तो भी नो प्रॉब्लम, तो भी आप लोग ले सकते हो मेरे से, सिर्फ आप लोगों को डिलीवरी चार्ज पे करना है। मगर अभी नहीं दोस्तों, अभी मैं ऑर्डर वगैरह कुछ ले नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम में चल रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले से जो बहुत सारे लोगों को ऑर्डर लिया था, तो उन सभी लोगों को पहले मैं मछली भेजूंगा, उसके बाद किसी का ऑर्डर लूँगा, ठीक है ना। और जिन लोगों का ऑर्डर भेजना है भाई थोड़ा सा वेट करो भाई, मेरा कुरियर वालों से थोड़ा सा पंगा चंगा हो गया था, आप लोग जानते हो सब कुछ, मैंने वीडियोज़ में भी बोला था, मेरा दो जो पार्सल है वो रिटर्न हुआ था फालतू में, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो गया था कुरियर वालों के साथ पंगा, तो आप लोगों को सब कुछ मैं बताऊँगा एक वीडियो में, ठीक है ना। तो प्लांटिंग के ऊपर बात की जाए दोस्तों, मैं एक जो टब प्लांट है हाइड्रोफिला पॉलिस्पर्मा वो मैं उधर के साइड पे दे दिया। अब ये जो हाइड्रोफिला पॉलिस्पर्मा है दोस्तों, इसको बनाने का भी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, बहुत पुराना वीडियो है दोस्तों, 6-7 महीने पहले शायद मैंने अपलोड किया था, आप लोग सर्च कर सकते हो प्लांटेड टैंक शिवशंकर मालिक लिख के। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने एक जो प्लांट है वो डाल दिया था, मगर एक प्लांट दोस्तों इन लोगों के लिए काफ़ी नहीं है, एक और प्लांट डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टैंक आप लोग देख रहे हो दोस्तों, ये टैंक पे मैंने 3 महीने से वाटर चेंज किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एयर पंप चल रहा है, और ये सब प्लांट्स की वजह से मेरा एक भी मछली जो है वो मरा नहीं है। यहाँ पे मेरा 300 के आसपास मछली था जो कि मैंने रेजिंग किया है, वहाँ पे बड़ा किया है, और हर दिन दोस्तों मैंने बहुत सारा डाफनिया ट्यूबफ्लेक्स वाम खाने के लिए दिया है। तो जितना भी कचरा वगैरह मछली ने किया है सब कुछ दोस्तों ये प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया है। समझो दोस्तों 300 मछली 90 दिन तक खाना खा रहा है, कितना खाना खाएगा, और वही पानी पे दोस्तों है छोटे से जगह में, वही पे दोस्तों मछली जो है वो बड़ा हो गया, एक भी मछली जो है वो डेड नहीं हुआ है, हर एक मछली का जो सिया थे वो बढ़िया है, सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट्स के वजह से। और एयर पंप दोस्तों मेरा 24/7 चलता रहता है, क्योंकि एयर पंप अगर बंद करूँगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि छोटे से जगह में बहुत सारा मछली है। एक्चुअली ये छोटा जगह नहीं है, ये 100 लीटर के आसपास पानी इसमें रहता है, मगर ये दोस्तों 300 मछली के लिए थोड़ा सा छोटा जगह है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग एक साथ इतना मछली मत रखो, मेरे को एक्सपीरियंस है इसीलिए मैं रखता हूँ। आप लोग रखने जाओगे तो आपका मछली मर सकता है, बाद में आके मेरे को आप दोष दोगे कि आपने बोला आपके जैसा मैंने करने गया था, तो मेरे जैसा मत करो भाई, मेरा एक्सपीरियंस 12-13 साल का है इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों का एक्सपीरियंस आज से 12-13 महीने का भी नहीं होगा, तो इसीलिए मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग जो वीडियो को देख रहे हो कॉमेंट सेक्शन पर 12-13 साल लिख दो, ठीक है। तो चलो दोस्तों आज के कमेंट सेक्शन पे यही दोस्तों टॉपिक है, कमेंट सेक्शन पे आप लोग 12-13 साल लिख दो, एंड अभी तक जो भाइयों ने लाइक नहीं किया है ज़रूर से लाइक करो भाई, मैं देख रहा हूँ 2-3 वीडियो में लास्ट की आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, तो लाइक करो भाई, इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग में 4-5 घंटा लग जाता है भाई, फालतू में एडिटिंग करके वीडियो डालना सिर्फ और सिर्फ 1-2 रुपये के लिए, भाई यूट्यूब पैसा भी नहीं देता है वीडियोज़ का, ठीक है ना, जो लोग जानते हो यूट्यूब के बारे में वो लोग जानता है कि ये पेट्स कैटेगरी के चैनल में पैसा मिलता ही नहीं है, तो भाई आप लोग लाइक करो वही मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है ना, क्योंकि यूट्यूब का पैसों से कुछ होने वाला है नहीं, आप लोगों के लाइक से ही मैं खुश हूँ। तो अभी तक जो लोग देख रहे हो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर दो, तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कौन सा दिखाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जो एल्बिनो फोल्डेड गप्पी है उसका फ्राई से, और एल्बिनो फोल्डेड का दोस्तों और भी फ्राई है जो कि आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा, सब चौंक जाओगे भाई, देखते रहो वीडियो को। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 2 प्लांट डाल दिया है, और ये सब प्लांट अभी थोड़ा सा बिखरा हुआ है, इसको एक दिन टाइम देना पड़ेगा, तो ये अपने आपको यहाँ पर इस पानी में सेट कर लेगा, और जो लीफ वगैरह उल्टा है तो वो सीधा हो जाएगा, तो दिखने में और भी अच्छा लगेगा। बात की जाए दोस्तों पानी रेडी करने का, तो पानी को आप लोग 8-10 दिन पुराना करो, और उसके ऊपर जो लेयर आएगा ये जो धूल जैसा आप लोग देख रहे हो उसके दोस्तों ये छलनी के मदद से हटा लो, छलनी नहीं है तो आप लोग एक काम करो, दीदी का दुपट्टा या फिर माँ का जो साड़ी है वो लेके इसी तरीके से काम निकाल सकते हो। तो मैंने दोस्तों ऊपर का जो लेयर है आयरन जिंक का जो लेयर होता है ये, मतलब आयरन और जिंक जो है वो पानी में रहते रहते ऊपर तैरने आ जाता है, तो उस टाइम पर दोस्तों इसको हटा लेना है, 3-5 दिन पुराना पानी रखोगे तो ये लेयर ऊपर आ जाएगा, इसको हटा दो, उसके बाद पानी में मछली छोड़ सकते हो।
मैं नॉर्मली 8 से 10 दिन पुराना पानी यूज़ करता हूँ कोई भी बच्चों मछली के लिए। अगर बड़ा मछली के लिए यूज़ करना है 3 से 5 दिन पुराना पानी काफ़ी है, मगर छोटा मछली के लिए भाई मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। तो आप लोग देखो दोस्तों, जो जिंक और आयरन का लेयर है वो देख लो, ये वाला, ये भाई पूरा फालतू का चीज़ है। मछली के गिल्स में जहाँ से मछली सांस लेता है वहाँ पे जाके ये अटक जाता है, मछली को एक तरीके से जलन होता है वहाँ पे, तो मछली को दिक्कत होता है। सेकंड चीज़ दोस्तों, मछली के आँख में जलन होता है, कभी कभार मछली का जो गिल्स है वो लाल हो जाता है, मछली जो है वो आँख सफ़ेद हो जाता है, तो बहुत दिक्कत हो सकता है अगर आप लोग नया नया पानी पर मछली छोड़ दोगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले जो पानी का टेम्परेचर है हमेशा की तरह सेम कर लूँगा, तो आधा पानी मैं दोस्तों यहाँ पे भर दिया ताकि पानी जो है वो जल्दी से टेम्परेचर सेम हो जाए और ये पानी में सूट हो जाए। और भाई ये चींटी देखो, हर बार भाई एक चींटी, भाई ये नहीं, ये दो चींटी है, मतलब पहले जो चींटी मैंने हटा दिया फिर से उसका एक भाई आ गया है। तो मेरे यहाँ पर भाई अभी ये जो गर्मी का मौसम है यहाँ पर बहुत सारा चींटी आता है। अगर कोई भी मछली का खाना वगैरह मैं मतलब डाफनिया पकड़ के लाता हूँ तो डाफनिया जो है वो नेट में थोड़ा रह जाता है, और डाफनिया का खाने के चक्कर में भाई मेरा नेट को ये चींटी लोग जो है वो कुतर जाता है। तो मेरा नेट में बहुत सारा सिलाई करने के मतलब बाद मैं नेट को यूज़ कर रहा हूँ, तो यही मेरा प्रॉब्लम है अभी चींटियों से। फिलहाल देखो दोस्तों, यहाँ पर जो ये वाला ब्याच है इसको भी मैं यहाँ पर डिप कर रहा हूँ। तो आज मेरे को दोस्तों टोटल 3 बार फ्राई को कलेक्शन करना पड़ा है, क्योंकि बहुत सारा फ्राई अभी फिलहाल मेरे को मिल रहा है। और ये वाला प्लांटेड टैंक देखो भाई कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये वाला तो भाई खैर छोड़ो, कोलकाता के लोगों को क्या ही बोल सकते हैं, मेरे को भाई नॉन CO2 प्लांट बोल के एक CO2 प्लांट थमा दिया है। तो चलिए दोस्तों, अभी सबसे पहले आप लोगों को धमाकेदार चीज़ दिखाते हैं जो देख के आप लोग दंग रह जाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा सब ब्रूडर गप्पिस था, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ये जो ब्रीडिंग केज है, जो टोकरी है, वो बाहर क्यों निकाला है। तो ये सब मछली को मैं अभी रेस्ट दे रहा हूँ दोस्तों। ये देखो साइज़ देख रहे हो भाई, एक एक फीमेल का, फीमेल दोस्तों मैंने एक कुछ दिन पहले एक वीडियो में दिखाया था, बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हुआ था कि इतना बड़ा साइज़ है। दो भाई तो मेरे घर पर आ गया था भाई देखने के लिए कि इतना बड़ा गप्पी एक्चुअल में होता भी है। तो ये सब भी फीमेल का जो साइज़ है दोस्तों, कुछ कुछ फीमेल 4.5 इंच का भी है, कुछ कुछ फीमेल 5.5 इंच का भी है भाई। और यहाँ पे एक फीमेल जो है वो अभी बच्चा दे रहा है, मैंने ब्रीडिंग केज में रख दिया है। तो ये ब्रीडिंग केज बनाने का दोस्तों सेपरेट एक वीडियो आने वाला है। ये देखो बच्चा, तो बाहर दोस्तों बहुत सारा फ्राई निकल के घूम रहा है, और भी दोस्तों ये फीमेल बच्चा देगा, अभी भी लोडेड है ये वाला फीमेल। तो ब्रीडिंग केज दोस्तों किस तरीके से बनाना है वो शायद से मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बता दूंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि दादा मेरा गप्पी ने बच्चा दिया वही ने खा लिया, मैं प्लांट्स देके भी बच्चों को बचा नहीं पा रहा हूँ। तो वो आप लोग वीडियो देख लेना, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर देखो आप लोगों का आँखों का तारा, एल्बिनो फुल रेड गप्पी, मतलब AFR जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, फुल रेड गप्पी जो होता है वो बहुत ही अभी मार्केट में डिमांडिंग है। तो मेरा जो गप्पी है अभी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का निकला है। ये देखो सब जो एल्बाइन फुल रेड है वो हाफ मून कॉलीडोर्सल में है, मतलब इसका जो टेल है वो पूरा है गोल राउंड आएगा, और इसका जो ऊपर का फिन है उसको डोर्सल फिन बोला जाता है, तो उसका जो फिन है वो कॉलीफ्लावर जैसा होगा, एक बड़ा सा फिन होगा। तो हाफ मून कॉलीडोर्सल एल्बाइन फुल रेड गप्पी थोड़ा सा महंगा बिकता है। तो मैंने दोस्तों क्या किया है, यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन करवाने के लिए फ्राई को मैंने बेचा नहीं है, थोड़ा सा फ्राई मैंने अपने पास रख दिया है, अभी सेलिंग मैंने स्टार्ट नहीं किया है। तो ये सब फ्राई को दोस्तों मैं जब उठाऊंगा मेरे ब्लॉग चैनल पे दिखाऊंगा, मतलब आज ही मैंने उठा लिया है, ठीक है आप लोगों को बता भी देता हूँ, आज ही मैंने उठा लिया है, वीडियोस भी बना लिया है, वो सब मेरे ब्लॉग चैनल पर अपलोड होगा। ब्लॉग चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट पर पिन कर दिया है, जाके सब्सक्राइब करो। और ये वाला जो फ्राई है दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रिक ब्लू मस्को का फीमेल है, जो कि यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था क्रॉस करवाने के लिए। तो अभी दोस्तों इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, अभी ये ब्रीडिंग के लिए रेडी भी नहीं है, मगर मैंने वहाँ पे दोस्तों छोड़ा हुआ था, एक दो शायद और भी होगा, मगर मेरे से जो लोग है ऐसा नहीं होगा कि क्रॉस ब्रीडिंग का मछली मिलेगा, पूरा दोस्तों प्योर ब्लड लाइन का मिलेगा। जो मैं क्रॉस ब्रीडिंग करवाता हूँ वो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए। और यहाँ पर देखो भाई, बरसात के मौसम पर नेचर का खूबसूरती, और मेरा दोस्तों एक दिक्कत है, यहाँ पर पानी देखो, पानी का लेवल कहाँ तक आ गया है। ये जो सेक्शन है भाई, यहाँ पर मैं पानी स्टोर करता हूँ, और ये देखो पानी का लेवल इतना आ गया है, तो डर लग रहा है कभी अगर बाहर आ गया तो मैं पूरा डूब जाऊंगा, फार्म भी डूब जाएगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों एल्बिनो फुल रेड गप्पीस का फ्राई है। तो ये सब फ्राई आगे आप लोगों को ब्लॉग चैनल पे देखने को मिलेगा, जाके जरूर से सब्सक्राइब करो भाई लोग।
अगर आप भी मेरी तरह एक गप्पी फिश लवर हो तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैंने बहुत सारा फार्म विजिट किया जहाँ पे मेरे को बहुत सारा गोल्ड फिश दिख गया था, और वहीं पे दोस्तों मेरे को योलो एल्बिनो गप्पी मिल गया, तो मैंने बहुत सारा योलो एल्बिनो गप्पी खरीद लिया। योलो मॉली भी मिल गया था तो वो भी मैंने खरीद लिया। रेड ड्रैगन गप्पी मैंने खरीदा है दोस्तों, उसी के साथ पर्पल बेरी ड्रैगन भी गप्पी खरीद लिया। और मेरा जो घर का इलेक्ट्रिक ब्लू मॉस्को गप्पी है उसको मैं आज ब्रीडिंग पे बैठाने वाला हूँ, तो देखो दोस्तों उसका साइड व्यू। और उसका जो फीमेल है दोस्तों, ये सब गप्पी से इलेक्ट्रिक ब्लू मॉस्को का फीमेल को मैं सबसे पहले दोस्तों काउंटिंग किया। काउंटिंग तो ये वाला शॉर्ट्स देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये शॉर्ट्स मैंने अपने ब्लॉग चैनल पे अपलोड किया है। तो मेरा दोस्तों ये पहला शॉर्ट्स है जो कि मैंने अच्छे से एडिट वगैरह करके अपलोड किया है, तो जाके देखो भाई, ब्लॉग चैनल पे भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा और आता भी है, और 4,500 के ऊपर सब्सक्राइबर भी हो चुका है। 5,000 जल्दी से करवाओ। फिलहाल दोस्तों कॉमेंट सेक्शन पढ़ लेता हूँ। तो सबसे पहले कॉमेंट किया है सायंदा ओपी, सायंदा ओपी बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया है। तो वीडियो दोस्तों सायंदा के ऊपर ही था लास्ट वीडियो, आप लोगों ने जो नहीं देखा है जाके देख लो भाई, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। दादा वीडियो लंबी होगी चलेगा, पर आप सभी का कमेंट का क्वेश्चन अच्छा, इनका कहना है वीडियो लंबा है तो भी चलेगा, मगर आप ये कमेंट सेक्शन पढ़ने का जो सेगमेंट है वो रखो। तो भाई इसीलिए मैंने आज भी ये रख दिया, तो हर एक बंदे का मैं कॉमेंट आज पढ़ने वाला हूँ। व्हाट इज़ डिलीवरी चार्ज इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में डिलीवरी चार्ज 200 रुपये पर केजी है। अगर 3 केजी का डिलीवरी चार्ज की बात की जाए तो 500 से 550 रुपये के अंदर डिलीवरी आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट सायंदा ओपी एक बंदे ने और लिखा है, भाई एक दिन फिक्स का, अच्छा इसका कहना है कि मैं एक दिन फिक्स कर दूँ जिस दिन मैं आप लोगों से कॉल पे बात करूँगा। तो चलो दोस्तों आप लोग बताओ कॉमेंट सेक्शन पर किस दिन आप मेरे से बात करना चाहते हो, आप लोगों के ऊपर दोस्तों पूरा डिपेंड करूँगा मैं। दादा फीस कब भेज रहे हो? फीस बहुत ही जल्दी मैं भेज रहा हूँ भाई, अभी लगातार बारिश हो रहा है, और वीडियो में भी मैंने बताया कुरियर वालों के साथ थोड़ा सा पंगा हो गया था, जैसे कि हमेशा हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। और नेक्स्ट मेरा पैसा रिटर्न कर दो ऑफिशियल एलेक्स। भाई आप ऑफिशियल एलेक्स लिख के मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करो, क्योंकि लास्ट मैंने 2 या 3 बंदों का पैसा रिटर्न किया था, मेरे को उल्टा गाली पड़ा था कि भाई आप पैसा रिटर्न क्यों दे रहे हो, मेरे को मछली चाहिए, आप मछली ही देना जब भी दोगे, पैसा रिटर्न मत करो। तो आप एक बार मैसेज करो मेरे को। दादा मेरा बेटा फिश 4 दिन में, अच्छा क्या यार, इसका बेटा फ्राई 4 दिन का हो गया था, रात को सब मर गया। आप पानी शायद अमोनिया लेवल बढ़ गया था इसीलिए मर गया। पानी ज़्यादा करो, मतलब बड़ा जगह पे मछली को पालो, मछली एक भी मरेगा नहीं। थंबनेल नेम न्यू फिश 15 रुपीज़, ये भाई 55 रुपीज़, जी हाँ भाई लास्ट वीडियो का यही थंबनेल नेम था, और ये वाले वीडियो का भी थंबनेल नेम है। दादा थंबनेल खूब सुंदर हो, मतलब इनका कहना है थंबनेल बहुत बढ़िया बना है। तो थैंक यू राजना बेरा, थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को थंबनेल अच्छा लगा। ऑर्डर कब से स्टार्ट करोगे? ऑर्डर भाई मैंने बोल दिया था 15-20 तारीख के बीच में स्टार्ट करूँगा, तो 15-20 तारीख आने वाला है, जल्दी से मैं ऑर्डर स्टार्ट करूँगा भाई, बहुत सारे अरेंजमेंट करवाना है आप लोगों के लिए। दादा आप पाकिस्तान में बेटा सेंड कर सकते हैं, प्लीज़ बता दो, मुझे आपसे ही लेना है। तो देखो भाई इंडिया हो या पाकिस्तान, सब जगह पर मैं भेज सकता हूँ, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, थोड़ा सा कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम है, बाहर मछली भेजना पड़ेगा तो दिक्कत है। सीधा रॉयल ब्लू ओएचएम एंड फीमेल, अच्छा रॉयल ब्लू ओएचएम और ब्लड रेड फीमेल ओएचएम का क्या प्राइस होगा? 250 रुपीज़ करके पेयर है भाई, कोई भी कलर लोगे, मेरे पास कलर के ऊपर कोई भी प्राइस नहीं है, आप जो भी कलर लोगे ओएचएम है तो 250 रुपीज़ करके ही पेयर आएगा। डिलीवरी चार्ज आपका डिपेंड करता है आप कितना पीस लेने वाले हो। गुड लक दादा, इसने मेरे को गुड लक बोला है, क्योंकि लास्ट वीडियो पे मैंने बोला था आप सब लोग मेरे को गुड लक विश करो, मैं नया गप्पी का सेगमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ, तो थैंक यू भाई आपके गुड लक के लिए। बेटा फिश लवर सायंदा ओपी गुड लक दादा, थैंक यू भाई। इन्होंने मतलब जो जो मैंने कमेंट सेक्शन पे लिखने के लिए बोला था सब कुछ एक ही बार में लिख दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो को एंड तक देखा। तो सायंदा ओपी बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लव फ्रॉम बांग्लादेश, ये भाई बांग्लादेश से देख रहा है, बांग्लादेश से देख रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। लव फ्रॉम इंडिया ब्रो, तो बहुत सारे देशों से लोग देखते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया, मैंने सोचा नहीं था कभी भी मेरा वीडियो इतना लोग देखेगा। दादा बेटा कब सेल कर रहे हो, डेट बता दो। तो डेट की बात की जाए दोस्तों 15-20 तारीख मैंने ऑलरेडी बता दिया है ICIC ने। सायंदा ओपी, ये जो टैलेंट बेबी टीवी नाम का भाई है, ये मेरे हर एक वीडियो में कमेंट करता है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। नेक्स्ट हमें सब समय अपना वीडियो देखी तबे सब समय कमेंट करते पारी ना, आशा करी माफ़ करबें। अरे माफ़ करने की क्या बात है भाई, थैंक यू, आप हर एक वीडियो देखते हो। तो नेक्स्ट कमेंट किया है, वीडियो में डेट तारीख लिख के वीडियो छोड़ा करो,
ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो से मैं ऐसा ही करूँगा, वीडियो में डेट और तारीख छोड़ दूंगा, मगर आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे जाके भी देख सकते हो, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेट जो है वो यूट्यूब दिखा देता है कौन सा डेट का वीडियो है। भैया ड्रैगन फ्लाई का लार्वे को मारने का कोई दवाई बताओ। तो देखो भाई, ड्रैगन फ्लाई को लार्वे को मारने के लिए कोई दवाई यूज़ करोगे तो मछली मर जाएगा, इससे अच्छा है कि आप अपने टैंक को नेट से कवर कर दो, ड्रैगन फ्लाई का लार्वा कभी होएगा ही नहीं, ड्रैगन फ्लाई अंदर जाके अंडा ही नहीं देगा तो बच्चा होगा कैसे। लाभ फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश शिपमेंट पाठाते व्यवस्था करें, हमारे एक मिनी बेटा फिश फार्म आचे। ओके दादा, मैं बांग्लादेश भेजने का भी कुछ जुगाड़ करता हूँ, मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश भेजने के लिए एक ही डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन मेरा बन जाने दो, सभी को भेजूंगा बांग्लादेश और पाकिस्तान में। दादा तुम यहाँ हमारे टेक्स्ट के रिप्लाई दाओ ना, मतलब इनका जो टेक्स्ट है मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ। तो देखो भाई, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, मेरे लिए एक इम्पॉसिबल सी चीज़ हो गया है व्हाट्सएप पे रिप्लाई देना, तो इसीलिए ऐसा चीज़ है। एलियन बेटा कब से सेल करोगे? तो देखो भाई, एलियन बेटा मैंने थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया है अभी अभी, जो मैंने ब्रेक दिखाया था ना बीच में एक, वही दोस्तों मेरे पास है, कैसा लगा जरूर से बताना भाई, शाइनिंग वाला कलर है, तो आप लोग भाई वेट करो, सब कुछ आने वाला है। दादा रेड ड्रैगन गप्पी कत को, रेड ड्रैगन गप्पी भाई बेच नहीं रहा हूँ, मैंने ब्रीडिंग के लिए लिया है, ब्रीडिंग करूँगा, बच्चा बड़ा करूँगा, फिर सोचेंगे क्या होना है, क्योंकि अभी तो वो मेरे सिर्फ शौक के लिए है, आप लोगों को वीडियो में दिखाने के लिए है, लालच दिखाने के लिए है बोल सकते हो। दादा हमारा बेटा फिश ब्रीडिंग टाइम फाइट करचे, बेटा फिश ब्रीडिंग टाइम पे फाइट करता है भाई, बेटा फिश ब्रीडिंग टाइम पे ही फाइट करेगा, ये नॉर्मल है, क्योंकि इसी को फाइटर फिश बोला जाता है इसीलिए, मगर मेल फीमेल ब्रीडिंग के लिए रेडी होगा तो कम से कम फाइट करेगा। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर का फिश बॉय करना है, ये क्या है लिखा है भाई, कॉन्टैक्ट नंबर का है, अच्छा कॉन्टैक्ट नंबर तो भाई मेरे वीडियो के स्टार्टिंग पे ही दिया हुआ होता है, आप वीडियो के एंड तक, मतलब स्टार्टिंग पे ही 10 सेकंड के टाइमलाइन पे मैंने दे दिया है भाई। हमारा गप्पी फिश चाहिए 300 पीस, 10 पीस मेल भाई देखो पाकिस्तान में भी भेज दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के स्टार्टिंग पे 10 सेकंड पे ही मैं दे दिया है, अब भाई आँख बंद करके वीडियो देखते हो क्या दादा? अब साला सेलिंग कब स्टार्ट करोगे? इसने सालिम लिख दिया है, SALEM, तो सेलिंग भाई 15-20 तारीख के बीच में से स्टार्ट करने वाला हूँ। दादा रेड टाइगर बार पर ब्रीडिंग शुरू करो, रेड टाइगर बार का ब्रीडिंग भाई शुरू में करना चाहता हूँ, मार्केट में प्राइस भी अच्छा खासा है, उसके लिए जगह ज़्यादा चाहिए, प्रॉफिट कम है मेहनत ज़्यादा है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, देखता हूँ भाई। आपका मोबाइल स्विच ऑफ दिखा रहा है, स्विच ऑफ ही दिखाएगा भाई, फालतू में कॉल करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं किस तरीके से हैंडल करूँगा भाई, आप लोग देख रहे हो कितना बड़ा फार्म है मेरा भाई। ऑल इंडिया डिलीवरी हो सकती है क्या? हाँ भाई, ऑल इंडिया डिलीवरी हो सकता है, फिलहाल थोड़ा दिन वेट कर जाओ, 2-3 दिन। तो नेक्स्ट कमेंट किया है, दादा कितना बजे बिल आता, अच्छा कितना बिजली का बिल आता है, कैसा मेंटेन करते हो? तो देखो भाई, बिजली का बिल का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा जो पंप है वो डबल नेजल वाला एयर पंप है, इसके अलावा मेरा कोई इलेक्ट्रिक बिल आता नहीं है मछली के सेगमेंट पे। घर की बात की जाए वो अलग है दोस्तों, टीवी फ्रिज वगैरह चलता रहता है वो पूरा अलग है। ऑस्कर कहाँ है? ऑस्कर ब्रीडिंग का फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाओ, ऑस्कर ब्रीडिंग भाई मैं वीडियो लाऊंगा, फिलहाल मेरे पास ऑस्कर नहीं है, पिछले साल मैंने ऑस्कर रेजिंग करके बड़ा करके बेच दिया था, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए। दादा रेनी सीज़न है और अच्छा विंटर सीज़न, इतना सारा टैंक किस तरीके से मैं रखता हूँ? पहली बात दोस्तों, रेनी सीज़न हो या फिर विंटर सीज़न हो या फिर गर्मी का मौसम हो, मैं हमेशा टैंक को ढक के रखता हूँ, तो बाहर के इन्वायरमेंट का टैंक के अंदर के इन्वायरमेंट पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, और मेरा जो टैंक है वो थर्मोकॉल का है, इससे मेरे को और भी एडवांटेज मिलता है। दादा हमें कि बड़ो बेटा फिश के इन्फ्यूसोरिया खाओ जा, अच्छा बड़ा बेटा फिश को इन्फ्यूसोरिया खिलाया जा सकता है या नहीं, इन्होंने पूछा है। तो बड़ा बेटा फिश इन्फ्यूसोरिया नहीं खाएगा, अगर उसका उम्र 5 दिन के ऊपर है तो इन्फ्यूसोरिया से कोई भी काम होने वाला नहीं है, वो डाफनिया वगैरह खाएगा। दादा गोरामी ब्रीडिंग का वीडियो बनाओ प्लीज़, गोरामी ब्रीडिंग भाई गोरामी को रेडी होने दो, गोरामी अभी खा पी के रेडी हो रहा है, फिर ही ना वो ब्रीडिंग करेगा, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, यही मैं बोल रहा हूँ बस। थंबनेल वॉसम कीप गोइंग गप्पी ने वो साइंदा ने कमेंट किया है, तो लास्ट वीडियो का जो साइंदा है इसका जो ओरिजिनल यूट्यूब आईडी है वो ये है, साइंस सिकदार 4279, आप लोग देख लो,
तो आप लोग लास्ट वीडियो जाके देखो भाई, ट्रॉली भर के मछली लेके गया है सायंदा, आप लोग देख के दंग रह जाओगे भाई। फर्स्ट से बेटा फ्राई को ब्रायन श्रिंप खा, अच्छा डे वन से बेटा फिश का फ्राई ब्रायन श्रिंप नहीं खाएगा। मतलब बेटा फ्राई अगर आज हैच हुआ है उसके दो दिन तो वो कुछ नहीं खाएगा, उसके पेट में एक योग लगा रहता है उसी से खाना मिल जाएगा, उसके बाद वो ब्रायन श्रिंप खाएगा। ब्रो प्लीज़ मुझे एक मेल बेटा फिश गिफ्ट कर दो ना प्लीज़, घर पर आ जाओ भाई, गिफ्ट कर दूंगा, मैं भेज नहीं सकता क्योंकि भेजूंगा तो मेरे को ही डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा, मेरे को ही मछली, मेरे को ही बॉक्स, तो उसमें एक बेटा फिश की जगह मैं तीन बेटा फिश गिफ्ट कर दूंगा, मेरे घर पे आ जाओ, यही काफ़ी होगा मेरे लिए, आप लोगों का प्यार इतना है। दादा मेरे पास दो माली का फ्राई है जिसका हेड में क्लियर रेड कलर है, अच्छा बढ़िया है भाई, मेरे को वीडियो भेजो, इन्होंने बोला भी है वीडियो भेजूंगा, तो वीडियो भेजो, मैं देखता हूँ कैसा आपका हार्ड वाला बेटा फिश है। दादा आपकी अतिया लड़ाकू मछली के साथ, अच्छा इन्होंने किया है कि क्रॉस ब्रीडिंग करवाने से कौन सा मछली निकलेगा, तो देखो भाई मेरे क्रॉस ब्रीडिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो है। और हाँ भाई मेरे को हिंदी पढ़ना भी आता है, मैं बंगाली हूँ मगर मेरे को हिंदी पढ़ना भी आता है अच्छे से, इसीलिए मैंने पढ़ लिया। तो क्रॉस ब्रीडिंग के ऊपर मेरा ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हो, क्रॉस ब्रीडिंग शिवशंकर मालिक यूट्यूब पर लिखो, दिखा देगा मेरा वीडियो। कॉमेंट विदाउट वीडियो, अच्छा ये जो भाई है बहुत बार मेरा वीडियो अपलोड होने से पहले ही शेड्यूल कर देता हूँ, ये भाई कमेंट कर देता है, थैंक यू भाई, आप इतना मेरा वीडियो देखने के लिए एक्साइटेड होते हो, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट कमेंट एंड फर्स्ट लाइक फॉर यू, इन्होंने भी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब कुछ कुछ भाई है आप में से, बहुत सारे लोग हैं जो कि फर्स्ट कमेंट कर देते हो हर बार, एक बार नहीं हर बार। और भाई ये देखो ब्लॉग चैनल का जो वीडियो है ये सब दिखाऊँगा, मेरा वो जो तालाब है बेटा फिश का उसमें नेटिंग वगैरह हुआ है, इतना फ्राई निकला है वहाँ से, आप लोग दंग रह जाओगे देख के, इतना फ्राई, चार डिजिट वाला नंबर है ठीक है, इतना फ्राई निकला है। तो इस वीडियो का थंबनेल कैसा लगा आप लोग ज़रूर से बताना, और फिलहाल वीडियो में इतना ही था। चैनल के लोगों पे क्लिक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैंने दो वीडियो रिकमेंड किया है दोस्तों, दोनों में से कोई भी वीडियो आप देख सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल और मज़ेदार होगा, वीडियो नॉलेजेबल भी होगा और मज़ेदार भी होगा, तो ज़रूर से उसमें से दो वीडियो देख लेना, मिलते हैं आपसे वही वीडियो पे, बाय बाय।